हेलो, कंटिन्यू करते हैं। वीडियो कुछ स्टॉप हो गई थी, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कल्चरल इम्पैक्ट यहाँ तक थर्ड वर्ल्ड तक हो गया था हमारा। इन्फ्लुएंस ऑन सोशल लाइफ है ना। अब आते हैं पॉलिटिकल लाइफ, है ना। पॉलिटिकल लाइफ पे हो गया था हमारा। हाँ, ये भी हो गया था पॉलिटिकल इम्पैक्ट। द रिपब्लिक्स ऑफ साकियाज, वाजिद, मल्लाज, एम्प्रेस ऑफ बुद्धिज्म। साकी लोग थे, वाजिद लोग थे, तो मल्ला लोग थे। उन सभी लोगों ने बुद्धिज्म को थोड़ा एम्ब्रेस किया। एम्ब्रेस मतलब क्या, उसको प्रोत्साहित किया, है ना, उसको फॉलो किया। अब ये सिंपल से कह सकते हो। अशोक, अशोक का हुआ, कनिष्क हुआ, उन्होंने बुद्धिज्म को अपना स्टेट का रिलीजन बना लिया। यानी उन्होंने अपना राज्य धर्म बना लिया कि उनके स्टेट में जो लोग रहते हैं, मतलब उनके स्टेट का जो रिलीजन होगा वो ये होगा। हाँ, लोगों को इंडिपेंडेंस थी उस टाइम पर भी कि वो चाहे तो अडॉप्ट करें चाहे तो नहीं करें, तो उन्होंने एक अपने स्टेट का रिलीजन ही बना लिया था। कल्चरल इम्पैक्ट देखें, कल्चरल इम्पैक्ट बुद्धिज्म स्प्रेड फार एंड वाइड। साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया तक फैला, चाइना में भी, श्रीलंका में भी। फार रीचिंग कल्चरल इम्पैक्ट इन रेजिंग द प्रेस्टीज ऑफ इंडिया। और इसे इंडिया की भी प्रेस्टीज काफ़ी इंक्रीज हुई। देर एमर्ज क्लोज कल्चरल कॉन्टेक्ट बिटवीन दीज कंट्रीज एंड इंडिया। इन वजह से, इन कल्चर की वजह से कल्चरल कॉन्टैक्ट बना हमारा इंडिया के साथ, हमारा हमारे इंडिया के इन कंट्रियों के साथ, जहाँ जहाँ पर लोग पहुँचे। बुद्धिज्म एक्टेड एज अ वाइटल फोर्स बिटवीन डिफरेंट कल्चर। बुद्धिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स की तरह एक्ट करता है इन डिफरेंट कल्चर्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड लिटरेचर। बुद्धिज्म मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। बुद्धिज्म जो है, उन्होंने लैंग्वेज लिटरेचर के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। कैसे? अ वास्ट एंड वेरियड नेचर ऑफ लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस इन द लैंग्वेज ऑफ मासेस, दैट इज पाली। मासेस मतलब वहाँ के लोग, वहाँ के लोगों की मासेस मतलब पॉपुलेशन से है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी अलग अलग वैरायटी के लिटरेचर लिखे गए। किस लैंग्वेज में? पाली लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज में कुछ आया, लिटरेचर में कुछ आया, इंट्रोडक्शन हुआ, तो ये कंट्रीब्यूशन उनका। द तृप्तिका, द जातका, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क ऑफ बुद्धिस्ट, ये चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी उस टाइम पर अपनी पाली लैंग्वेज में। बिसाइड दिस, इनके अलावा भी अदर लिटरेरी वर्क ऑफ इम्पोर्टेंस रिटन इन पाली लैंग्वेज आर महावंसा, दीपावंसा, दिव्य वंदना, ललित विस्तारा, सौंद्रानंद, बुद्ध चरिता। ये काफ़ी सारे उनके लिटरेचर वर्क हैं जो कि संस्कृत में लिखे गए थे। ये किसको लिखे गए थे? इन संस्कृत। ये सारी चीज़ें हैं जिससे हमारे लिटरेचर में भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, रिकॉर्डिंग हो रही है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर बुद्धिज्म मेड इमेंस कंट्रीब्यूशन टू द एवोल्यूशन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। स्तूप्स, छत्याज, बिहारस एंड रॉक कट केव टेम्पल्स वर देयर यूनिक कंट्रीब्यूशन। यानी इन लोगों को जो फेमस रहता था, वो लोग क्या क्या बनाते थे? स्तूप बनाते थे, छत्याज बनाते थे, बिहारस बनाते थे, रॉक कट, रॉक को कट कर करके वो केव बनाते थे, केव टेम्पल्स बनाते थे बेसिकली। तो ये उनका एक यूनिक था। स्तूप कैसा होता था? स्तूप उनका कैसा होता था? स्तूप इज अ सेमी स्फेरिकल सॉलिड, इज सेमी स्फेरिकल, आधे सर्कल शेप में, है ना, डोम लाइक, एकदम डोम लाइक स्ट्रक्चर होता था। कंटेनिंग द रेलिक्स ऑफ बुद्धा, बुद्धा के जो शेष होते थे, अवशेष होते थे, उनको रखता था। लाइक रिलैक्स ऑफ बुद्धा, लाइक उनके हेयर, उनके टीथ, उनके बोन्स, ये चीज़ें। स्तूप्स एट सांची, सांची स्तूप अगर आपने सुना होता, बहुत बड़ा स्तूप जिसको माना जाता है फेमस। स्तूप्स एट सांची, भरहुत, अमरावती, रिमार्केबल स्पेसिमेंट्स ऑफ आर्ट सर्वाइविंग अपर स्टेट।
स्पेसिमेंट्स मतलब आप समझ लो सिंबल है ना। तो मानते हैं ये जो सूप के जो नाम मिले इन लोगों के, ये आज भी मतलब काफी रिमार्केबल, मतलब काफी तारीफ के लायक हैं, काफी मतलब अच्छे हैं जो सरवाइव कर रहे हैं आज की डेट तक भी। सरवाइविंग अप टू दिस डे, अप टू दिस डे, आज की डेट में सर्वाइव कर रहे हैं, आज भी सही सलामत है। अच्छा अक्षय क्या कह रहे थे सूप के बारे में तो बता ही दिया कैसा होता है। अक्षय तारे चैप्टिया कैसे होते थे, रेक्टेंगल होल्स की तरह होते थे, रेक्टेंगल होल्स ही होते थे बेसिकली, विद सेमी सर्कुलर रूफ। इसमें रूफ से होते थे वो कैसे होते थे, सेमी सर्कुलर सपोर्टेड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, काफी सारे खंबे लगे होते थे कॉलम्स में, यहाँ पे खंबे से पिलर्स है ना। दिस हॉल्स वर मेंट फॉर वर्शिप, यहाँ पे इसका पर्पज क्या था बेसिकली कि लोग यहाँ पर आकर पूजा करें। अब आते हैं बिहारस पे, बिहार बेसिकली क्या होते थे मॉनेस्ट्रीज को बोलते थे जहाँ पर मॉन्क्स रहते थे। लेटर बाद में व्हेन स्टैच्यूज ऑफ बुद्धा बिगन टू बी कार्व्ड आफ्टर द क्रिश्चियन एरा, देयर एमर्ज सेवरल स्कूल्स ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर इवन ड्यूरिंग मॉडर्न टाइम्स, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका, द स्टोन कटिंग एंड चीजलिंग ऑफ पिलर्स रिक्वायर्ड हाई टेक्निकल स्किल। ये पैराग्राफ क्यों डाल दें यहाँ पे, पता नहीं। ओके लेटर बाद में When the statue of Buddha began to be carved, जब बाद में बुद्धा के जो स्टेचू थे वो कार्व होने लगे है ना, आफ्टर द क्रिश्चियन एरा के बाद है ना, क्रिश्चियन एरा के बाद, तो वहाँ पे क्या हुआ, देयर एमर्ज सेवरल स्कूल्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, काफ़ी सारे वहाँ पे स्कूल बनने लगे इस चीज़ के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए, इवन ड्यूरिंग मॉडर्न टाइम्स की बात करें, स्पेशली अशोका के टाइम की बात करें, तो काफ़ी सारे स्टोन कटिंग किया जाते थे, प्लस की डिजाइनिंग की जाती थी, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती थी। पता नहीं यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है, तो काम का है नहीं पड़ेगा आपसे पूछना इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप इस बारे को इग्नोर कर देना ठीक है, पढ़ा दिया मैंने आपको आप इग्नोर कर देना, कटवा नहीं रहा हूँ मेरे बस कहने का मैं, इसको इग्नोर कर देना आप बस है ना, इसको याद करने की कोशिश मत करना। हाँ इम्पोर्टेंट डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, कितने पॉइंट्स हैं इसके, फिफ्थ ही है कि नहीं, सिक्स पॉइंट्स दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन भी दिया होगा इसके नीचे। डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, सर बुद्धिज्म का भी डिक्लाइन क्यों हुआ, डिक्लाइन मतलब बिल्कुल खत्म तो नहीं हुआ पर बहुत कम हो गया, तो पूछ रहे कि कम क्यों हुआ, ये डिक्लाइन क्यों आया है। पहला तो रीजन ये कि स्प्लिट इन बुद्धिज्म, ये खुद अपने आप में डिवाइड हो गए, ये खुद अपने आप में डिवाइड होते हैं, डिविजन ऑफ बुद्धिज्म टू हीनयान एंड महायान सेक्स ब्रॉट आउट मेनी चेंजेस इन बुद्धिज्म, इसके से काफ़ी चेंजेस आए, इट्स पॉपुलैरिटी एंड प्रेस्टीज सफर्ड, इनकी पॉपुलैरिटी जो होती है प्रेस्टीज होती है वो काफ़ी सफर की, डिफरेंसेस हैड बिगन टू सक्सेस साइड फ्रॉम द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकेंड काउंसिल से यहाँ पे डिफरेंसेस आने लगे, लोगों में मतभेद आने लगे, हीनयान एंड महायान एक्चुअली वर ओनली टू मेजर सेक्स, देयर आर 16 अदर सेक्स। ओहो वो कह रहा है कि यहाँ पे इसके दो पार्ट नहीं हुए थे, ये तो बेसिकली दो मेजर सेक्स थे, वहाँ पर 16 अदर सेक्स और थे जिनके आपस में बहुत फॉलोअर्स थे, तो सपोज कर 100 लोग हैं, अगर 100 लोग हैं सपोज कर गांव में, अगर आपको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आई तो स्प्लिट की वजह से कैसे डिक्लेन हुआ, एक गांव में 100 लोग हैं, अब वहाँ पे एक रीजन है तो एक रीजन को फॉलो करने वाले कितने लोग हैं 100, लेकिन अगर उसी गाँव में एक रीजन के दो रीजन आ जाए तो फॉलो करने वाले कितने रहेंगे, 50-50 पॉपुलेशन कम होती आ रही, नहीं होती आ रही है पर रीजन, और सोचो वहीं पर 5 रीजन आ जाए तो 20 फॉलोअर्स रह गए केवल, तो ऐसे कम होते हैं कि नहीं होते हैं, तो डिक्लाइन ऐसे आता गया, फॉलोअर्स डिवाइड होते गए, और जो मेन जो रीजन था वो तो बिल्कुल ही बात में पार्ट्स में बट गया ठीक है। दूसरा रीजन है लैंग्वेज, बुद्धा प्रीच हिज टीचिंग्स इन पाली आफ्टर द संस्कृत द लैंग्वेज ऑफ द अपर क्लासेस ऑल्सो केम टू बी अडॉप्टेड, बुद्धा ने जितनी भी अपनी टीचिंग दी थी वो मोस्टली किसमें थे पाली में, लेकिन उनकी डेथ के बाद जो थी जो लैंग्वेज जो बाद में लोगों ने अडॉप्ट की वो संस्कृत की, और संस्कृत लोगों को आती थी और पाली के लोगों को आती नहीं थी, तो वो उसको पढ़ ही नहीं पाए तो फॉलो ही नहीं कर पाए, करप्शन संघ संघ वाला भी जो ग्रुप हमने पढ़ा था बेसिकली, द मंक्स एंड नंस स्टार्टेड लिविंग अ लग्जरियस लाइफ, सर मंक्स और नंस तो लग्जरियस लाइफ नहीं लगे बल्कि इनको तो बर्ली प्लेस को छोड़ना होता है, तो ये लोग अपने प्रोमिस को फुलफिल नहीं करते, देर बाद डेटेरियोरेशन, डेटेरियोरेशन मतलब होता है डिक्लाइन ही होता है,
स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ में भी गिरावट आने लगी। बुद्धिस्ट संघ रिसीव्ड पैट्रोनेज अथॉरिटी एंड हैड बिकम वेरी, इन लोगों को रॉयल लोगों से कुछ मिलता था और ये भी काफ़ी रिच होते गए। तो वो कहते थे ना, प्रॉपर्टी को मोह मत करो, एक उन्हें पढ़ा था नॉट टू ओन एनी प्रॉपर्टी, तो ओन करने लगे, सिस्टम बिगड़ गया। धम्मांग सेंटेंस यूज द रिचेस फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट, यहाँ पर रिचेस का मतलब वेल्थ से, मनी से, मनी से। तो उन्होंने पैसे को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ किया। दे बिगन टू लीड अ बडली लाइफ, जो कि बडली लाइफ को हम सेक्रीफाइस करने के लिए बोलते हैं, यहाँ पे उसको एंजॉय करने लगे। रिलीजन का तो डिक्लाइन होना ही होना था, क्योंकि उसके जो लीडर थे बेसिकली जो मॉन्क स्टूडेंट्स होते थे फॉर फाइनल, वो ही बिगड़ गए। तो अब अगर ये डिक्लाइन हो भी जाए तो एक कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। रिफॉर्म्स इन हिंदुइज्म, हिंदुओं में थोड़ा रिफॉर्म आने लगा। रिफॉर्म मूवमेंट इन हिंदुइज्म स्टार्टेड फुल विगर एंड फुल विगर वंस द अपील ऑफ न्यू रिलीजन वैनिश्ड। हिंदुइज्म एसिमिलेटेड द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द बुद्धिज्म, इवन फॉरेन इन्वेडर्स एंड सेटलर्स अडॉप्टेड हिंदुइज्म एज देयर न्यू रिलीजन। अमंग दीज आर इंक्लूड द साकार्स एंड द सतवाहनास। वो कह रहे हैं हिंदुओं ने अपने रिलीजन के अंदर काफ़ी सारे मूवमेंट्स काफ़ी रिफॉर्म्स लेकर आए, उन्होंने अपने रिलीजन के अंदर भी क्या किया, काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स किए। ठीक है, जब ये न्यू रिलीजन वैनिश हो गया, न्यू रिलीजन वैनिश हो गया मतलब क्या, यहाँ पे वैनिश हो गया तो बिल्कुल ख़त्म है, पर यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म नहीं होता, बुद्धिज्म थोड़ा बहुत ख़त्म हो गया था। तो जैसे ये रिलीजन बुद्धिज्म ख़त्म हुआ, थोड़ा बहुत ख़त्म हुआ, तो हिंदुओं ने क्या किया, बुद्धिज्म के पॉजिटिव एस्पेक्ट थे यानी पॉजिटिव जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो अपने अंदर असिमिलेट कर लिया, असिमिलेट मतलब अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया, यानी हिंदुइज्म ने बुद्धिज्म रिलीजन से सीखा और उसको अपने अंदर एक्सेप्ट किया। फिर बाद में जितने फॉरेनर्स एंड फॉरेन इन्वेडर्स आए, उन सभी ने क्या किया, हिंदुइज्म अडॉप्ट किया अपना न्यू रिलीजन, तो हिंदुइज्म को थोड़ा बढ़ावा मिलता गया और बुद्धिज्म को बढ़ावा नहीं मिला। अमंग इन्वेडर्स हैं, इन्वेडर्स हैं, इन्वेडर्स और इन्वेडर्स के नाम बता रहे हैं, एक साकस था एक और एक कोई सतवाहनस था। इन्वेजन्स फ्रॉम द 88th सेंचुरी एडी द टर्कस इन्वेजन डेल्ट अ ब्लो टू बुद्धिज्म। सर जब से टर्कस ऑफ जैसे फर्स्ट इन्वेजन हमारे यहाँ पे इन्वेजन होना स्टार्ट हुआ, अटैक होना स्टार्ट हुआ, तब से बुद्धिज्म की मतलब बुद्धिज्म खत्म होने की कगार पे, कम होने की कगार, खत्म होने की कगार पे आ गया था। सबसे बड़े टर्किस आए थे, पता होता आपको है ना, डेल्टा ब्लो टू बुद्धिज्म, ब्लो में सीटें जा देना बेसिकली, एक तरह से भक्ति गुल कर देना बुद्धिज्म की। द मोनेस्ट्रीज विच हैड एक्युमुलेटेड ग्रेट वेल्थ वर लूटेड, जितने मोनेस्ट्रीज में इतने वेल्थ था वो सारे का सारे वो लोग लूटते चले गए। द इन्वेडर्स प्लंडर्ड द मोनेस्ट्रीज ऑफ नालंदा एंड तक्षशिला, उन्होंने नालंदा तक्षशिला की मोनेस्ट्रीज जितने एकदम सबको लूट लिया और उनको बर्बाद कर दिया। एंड फोर्स्ड सम ऑफ द मंक्स टू फ्ली द टू नेबरिंग कंट्रीज लाइक नेपाल एंड तिब्बत। अब वहाँ के मंक्स को फोर्स किया, तुम यहाँ से भाग जाओ और कहाँ चले जाओ, अपनी फॉरेन कंट्रीज में चले जाओ, अपनी नेबर कंट्रीज में चले जाओ लाइक नेपाल तिब्बत। इसलिए आप देखोगे तो नेपाल में तिब्बत वगैरह में आपको ऐसे मॉन्क्स दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में जो थे वो उस टाइम पर चले जा चुके थे वहाँ पर, वो वहाँ पर ही बस गए, तो वहाँ ने वहाँ पर अपनी कम्युनिटी बसा ली है ना। ये रीज़न है कि वहाँ पर क्यों आपको मिलते हैं, यहाँ पर क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर वहाँ पर जाके बस चुके, उन्होंने वहाँ पर अपनी फैमिली स्टार्ट कर दी, वहाँ पर उनका कम्युनिटी उनकी ग्रोन लगी। एंड ऑफ रॉयल पैटर्निज राजपूत रूलर्स वर वॉरलाइक एंड कुड नॉट फॉलो द पॉलिसी ऑफ अहिंसा। राजपूतों का टाइम आया, राजपूत रूलरों का टाइम आया। अब राजपूत रूलर वॉरलाइक तो वॉरलाइक मतलब उनको लड़ना ही पसंद था और उनको अहिंसा पसंद ही नहीं था, अहिंसा मतलब शांति से बात करना, और इनको तो शांति से बात करना पसंद ही नहीं था। तो राजपूत रूलर इनकी बुद्धिज्म की पॉलिसी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे, अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे तो उन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो करना छोड़ दिया, एंड जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने फॉलो करना छोड़ दिया, तो ये भी एक रीज़न बन गया। अब वही फॉलो नहीं करे तो उनकी प्रजा कैसे करेगी, तो कोई बचा ही नहीं इसको फॉलो करने वाला, तो ऐसे से ये भी डिक्लाइन होता गया। बिसाइड्स द किंग्स ऑफ गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड के जो भी लोग थे पैटनाइज टेम्पल इन ऑनर ऑफ द हिंदू गॉड्स, वो हिंदू गॉड्स की पूजा करते थे एंड गॉडेस की पूजा करते थे। जब उनको आया तो बुद्धिज्म डिक्लाइन होता गया। ये रीजन से आपको इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना है ना। कंपेरिजन जैनिज्म बुद्धिज्म में कंपेरिजन तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, सिमिलरिटीज बहुत कम बच्चों के याद हो पाती, तो सिमिलरिटी भी इम्पोर्टेंट है। सिमिलरिटीज पढ़ते हैं, द फाउंडर ऑफ बोथ रिलीजन महावीर एंड गौतम बुद्ध हैड सिमिलर बैकग्राउंड, सिमिलर बैकग्राउंड मतलब दोनों क्षत्रिय थे, दोनों क्या थे, क्षत्रिय थे।
है ना, बोथ सॉर्ट द अटेनमेंट सॉल्यूशन फ्रॉम द साइकिल बटन, जैसे दोनों की अटेनमेंट हो गया था सॉल्यूशन का, है ना, दोनों के मोक्ष मिल चुका था। बोथ डिड नॉट एक्सेप्ट वेदा, दोनों ही वेद में भरोसा नहीं रखते थे, दोनों ही अहिंसा को फॉलो करते थे, है ना, दोनों ही क्या करते थे, दोनों के मोंक्स जो होते थे, मोंक्स जो नंस होते थे दोनों ही रीजन के, वो क्या करते थे, बडल प्लेयर्स को छोड़ रिनाउंस कर देते थे, त्याग देते थे, है ना। और सिंपल लाइफ एकदम सीधी साधारण एकदम लाइफ, नॉर्मल लाइफ एंजॉय करने के लिए बोलते थे। ये इम्पोर्टेंट सिमिलरिटीज हैं पांच आपके, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। पहला क्षत्रिय थे दोनों, दूसरा उनको अटेनमेंट हो गया किसका, मोक्ष का, अब मोक्ष लिख लो उसको, वो वेद में भरोसा नहीं रखते थे, नॉन वायलेंस को मानते थे और रेनाउंड वर्ल्ड प्लेयर्स को ये नहीं मानते थे। के एम वी एन आर, वी एन आर के एम, है ना, आप उसको गैस भी याद रख सको, याद कर लेना। एम एन आर के भी मतलब ये कोड है, आप इस सबके भी कोड बना लेना, ये इनका पॉइंट्स हैं एम एन आर वी के, आप इसे जो ट्रिक बनाना बना लेना, है ना, याद कर लेना, अगर आप उसे अच्छे से बना सको तो बना लेना, ठीक है। ये तो हो गई सिमिलरिटीज, ये तो बात हो गई सिमिलरिटीज की, अब बात करते हैं डिसिमिलरिटीज यानी डिफरेंसेस की बात करें तो। बुद्धिज्म में क्या था, 6th सेंचुरी में आया था और ये तो बहुत पहले आ चुका था, लॉन्ग बिफोर महावीर। ये ऐसा नहीं था कि महावीर जी के साथ आया था, महावीर जी से पहले 23 तीर्थकार और रह चुके थे, ठीक है, इन्होंने तो बाद में आकर उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिलवाई। और ये तो उनके साथ बुद्ध लॉर्ड बुद्धा के साथ नया नया रिलीजन आया था, इन्होंने मिडिल पाथ फॉलो किया, यानी ज़्यादा हार्ड नहीं था ये जैनिज्म के कंपेरिजन में, तो यहाँ पे बहुत हार्ड पेनेंस होता था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा त्याग होता था। ये बहुत दूर फैला, बहुत दूर इंडिया से बाहर, ठीक है, बहुत दूर फैला और कल्चर को एवॉल्व भी किया इंडिया से, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं पहुँचा, ये ज़्यादा दूर नहीं पहुँचा। तो यहाँ पर अगर मैं बेस की बात करूँ, तो बेस की बात अगर यहाँ पर हम करें तो पहला टाइमिंग का है, दूसरा पास्ट का है कि फॉलो क्या करते थे, तीसरा उनके फेयर आपके ऊपर है, स्प्रेड के ऊपर, ठीक है, याद हो जानी चाहिए आपको इजीली, बहुत इजी है। अभी क्वेश्चन से जल्दी देखना चाहिए वाला आप लिख ही लोगे, होमवर्क मार्क कर लो अपने अपने। सारे क्वेश्चन हो ही चुके ऑलरेडी, है ना। अच्छा मैंने क्वेश्चन आपको वैसे दे देता थ्योरी में से पढ़ के करने के लिए, अब लास्ट में तो आपके पास अगर आपने नहीं किया है तो अब आपके पास चार्ट भी है, आप यहाँ से भी 3 पॉइंट लिख सकते हो, आप ऐसे 3 पॉइंट लिख सकते हो, वैसे तो आपने इतना सारा पढ़ रखा है तो वहाँ से भी इससे ज़्यादा डिफरेंसेस बना सकते हो। हाँ बट याद सर कौन से करने हैं, आपने तो पीछे बना लिया बहुत सारे डिफरेंसेस, आप मुझे को सेंड कर देना, मैं देख बता दूंगा जो जो पॉइंट अच्छे होंगे वो पॉइंट मैं आपको बता दूंगा कि ये पॉइंट आप रखो, और जो बेकार होगा मैं हटवा दूंगा, है ना। और अगर वो नहीं लिखे हैं आपने तो कोई बात नहीं, फिर ये वाले याद कर लेना, जो ये लिखे हुए हैं ये सिमिलरिटी कर, ये डिसिमिलरिटी से ये याद कर लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है लग लिखने की। आपका चैप्टर भी कंप्लीट है ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अभी चैप्टर आपको कंप्लीट हो चुका है, एक बार इस चैप्टर को पूरा रीड कर लेना पूरा, एक वो बना लेना, एक आप खुद ट्राई करना, मैंने आपको अगर भेजा था ये कुछ प्रीवियस चैप्टर का, तो उसका एक चार्ट बनाना, इंडेक्स बनाने की कोशिश करना, वो बेसिकली एक इंडेक्स था, बताने देना कि मेल लिस्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, ताकि आपको पता चले कि हाँ इस चैप्टर में मेनली है क्या क्या चीज़, ठीक है, ट्राई करना खुद से बनाने का, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं, ठीक है, क्लोज करते हैं फिर।